हेलो नमस्कार मेरे भाई बहन यार। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं Realme 7i का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख लिया होगा, तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अनबॉक्सिंग करेंगे और छोटी सी रिव्यू है। और रेट, कैमरा, उसकी क्वालिटी, अबाउट फ़ोन, सारी चीज़ें हम अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। कुछ मैंने दूसरी वीडियो से ली हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी देने के लिए वो भी है, और अपने आउटरो में भी मैंने थोड़ी बहुत बातें बताई हैं जो कि वीडियो में छूट गई थी, और ज़्यादा बातें आपको आउटरो में मिल जाएंगी। तो बस शुरू करते हैं अपने वीडियो। मैं हूँ AK, आप देख रहे हैं AK गोरखपुरिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों यहां से स्टार्ट होता है हमारा अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो इससे पहले मैंने Realme Narzo का अनबॉक्सिंग रिव्यू किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं Realme 7i का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे करेंगे अनबॉक्स, सीधे करेंगे रिव्यू। तो बॉक्स के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, नंबर वन स्मार्टफोन कंपनी ब्रांड लिखा है। सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पे सिम इजेक्टर और फ़ोन केस, बाकी डॉक्यूमेंट्री है और पेपर वर्क है जो कि भारत वालों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो कंपनी है वो मेड इन इंडिया है, तो यहाँ पे चाइना वाइना का लोचा ना करें आप लोग। और इसको हम रखते हैं साइड में, ध्यान देते हैं और क्या इस बॉक्स में मिलता है। फ़ोन है, फ़ोन को भी साइड में रखते हैं। 18 वाट फास्ट चार्जिंग चार्जर और टाइप सी USB पोर्ट चार्जिंग केबल है। फ़ोन पे आते हैं, फ़ोन हमारा जो है वो क्वाड कैमरा है और फिंगरप्रिंट सेंसर जो है उसका थोड़ा सा ऊपर है, जो कि मुझे थोड़ा सा कमी लगी। जिसके हाथ बड़े हैं वो तो सही है, लेकिन जिसके हाथ छोटे हैं उसको थोड़ा सा ऊपर करके फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा। कलर जो है वो है फ्यूज़न ब्लू कलर, जो कि बढ़िया कलर है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है। ये वेरियंट आपको सिमेट्रिकल नहीं मिलता है। और कलर इसका है स्काई ब्लू और वाइट में ग्रेडियंट कलर। और इसको हम पूरा सेटअप करके नहीं दिखाएंगे, बस अबाउट फ़ोन दिखाएंगे और छोटी सी रिव्यू करेंगे। और ये जो फ़ोन है वो 64 GB स्टोरेज के साथ आता है, क्वाड कैमरा है, कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, लेकिन हम फोटो लगा के नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पे मैंने सेटअप कर लिया है, आप प्रोसेसिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी प्रोसेसिंग है इसकी। और 90 Hz इतने कम रेट में आपको कोई फ़ोन नहीं दे पाएगा, लेकिन Realme 7i ने दिया है। और ये कुछ आपको 11,000 से 13,000 के प्राइस रेंज में पड़ेगा। ये भी हमने फ्लिपकार्ट के सेल में ही मंगाया था, तो वहीं से आया है। अबाउट फ़ोन आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे अबाउट फ़ोन में मैंने लगा दी हैं। और कुछ कुछ चीज़ें मैंने आगे बताई हैं। एंड्रॉयड वर्जन 10 प्रोसेसर, क्वालकॉम HD M62 ऑक्टा प्रोसेसर, 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, मॉडल है RMX 2103। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है, प्लास्टिक है और केस भी मिलता है, अच्छी बात है, ईयरफोन नहीं मिलता है तो आप जानते ही हैं। माइक, चार्जिंग केबल, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे SIM इजेक्टर, मतलब कि यहाँ पे आप ट्रिपल सिम लगा सकते हैं, वरना 2 SIM और एक SD कार्ड लगा सकते हैं। बाकी डिस्प्ले आपको मिल जाता है 6.5 HD प्लस 90 Hz का, गोरिल्ला ग्लास है पहले से लगा हुआ, स्क्रीन टू बूम रेशियो 90%, और काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, ड्रैगन स्नैपड्रैगन 662, रैम 4 GB प्लस रोम 64 GB, ये बहुत अच्छी लगी। और बैटरी इसकी 5000 mAh है, Narzo की 6000 थी। फास्ट चार्जिंग है 18 वाट का। और कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हैं, 8, 64, 2 और 2, इसमें आपको ब्लैक एंड वाइट लेंस मिल जाता है। और आगे आपको 16 MP का एक कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो बाकी बातें करते हैं आगे इंट्रो में, और बने रहिए। तो दोस्तों ये जो वीडियो था अभी तक का, वो मैंने वॉइस ओवर बाद में किया है, एडिटिंग उसकी बाद में की है। कुछ कुछ चीज़ें मैंने दूसरे की वीडियो से ली हैं आपको ज़्यादा जानकारी देने के लिए, और कहीं कहीं आवाज़ जो वॉइस ओवर में कट गई है तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। बाद में एडिट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि ये कुछ लगभग 2 दिन में मैंने अपडेट, मतलब कि एडिटिंग इसका किया है। और जो फ़ोन है उसका कैमरा है 64 MP, और ये कुछ आपको 11,000 से 13,000 के प्राइस रेंज के अंदर मिल जाएगा। Realme 7i मैंने फ्लिपकार्ट के सेल में, अभी जो सेल चल रहा था उसमें मैंने ख़रीदा था, तो ये लगभग कुछ शायद 12 या 11.5 हज़ार का मुझे पड़ा। और ये और जो इसका प्रोसेसर है वो बहुत बढ़िया प्रोसेसर है, और इतने कम रेट में 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले का वो बहुत, मतलब कि लोग दे नहीं पाते हैं, लेकिन Realme 7i ने दिया है इसका। और एक बात और कि इसकी जो 64 GB मेमोरी है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं 128 या फिर 120 GB तक का, वो भी मैंने वीडियो में लगाया है, लेकिन उसके बारे में बताया नहीं वॉइस ओवर में,
तो उसके लिए सॉरी जाता हूँ। तो बस यहीं तक की थी हमारी वीडियो, और फोटो और वीडियो उसका सैंपल नहीं लगाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं। नार्ज़ो वाली लंबी हो गई थी और लेकिन उसमें मैंने नहीं लगाया था, कुछ कुछ चीज़ों की वजह से लंबी हो गई थी। तो बस करते हैं अपनी वीडियो को एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट द एंड विथ ए के गोरखपुरिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें, मैंने लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और बस फोन का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। करते हैं अपने वीडियो को एंड, फिर मिलते हैं एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।